Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of heart, arteries and veins with keys and their explanations. So start karte hain aaj ka apna pehla MCQ. So the question number first is, in main right side of heart is what type of blood? Option A, oxygenated. Option B, deoxygenated. Option C is both, and the option number D is None. देखें, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक आता है इन मेन राइट साइड ऑफ हार्ट और दूसरा आता है इन मेन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज व्हाट टाइप ऑफ ब्लड. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राइट साइड का ब्लड बता दे कौन सा होता है, तो वहाँ पे होगा हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर पूछा जाए कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज़ व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो वहाँ पे हमारा होगा ऑक्सीजनेटेड. तो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. आउटलेट वेल्व्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ऑप्शन बी बाइकस्पिड वेल्व्स, ऑप्शन सी इज सामलनियर वेल्व्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिट्रल वेल्व्स. देखें, पहले तो ये बात क्लियर कर दें अपने माइंड में, जो बाइक स्पीड वेल्व्स होते हैं ना, उसको हम मिट्रल वेल्व्स बोलते हैं. मतलब ये बाइक स्पीड और मिट्रल वेल्व्स ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जस्ट इनका नेम में डिफरेंस है. और उसके बाद जो ट्राइक स्पीड वेल्व्स होती हैं और जो बाइक स्पीड वेल्व्स होती हैं या जिनको हम मिट्रल वेल्व्स बोलते हैं, ये दोनों इंटीरियर साइड पे ले करती हैं. ठीक है, और जो सेमी लूनार वेल्व होती है ना, ये बेस पर ले करती है ऊपर की साइड. तो इसलिए तो हम इनको आउटलेट वेल्व बोलते हैं. और सेमी लूनार इनका नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा? ये तब पड़ा जब इनको देखा गया आधे चांद की तरह. ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, द वेंट्रिकल विथ वॉल थिकर देन द अदर. ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी बोथ वेंट्रिकल्स है इक्वली थिक वेल्व्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. देखिए, जिस वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है ना, वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल. वैसे तो आर्ट्रिया जो होते हैं दो होते हैं, उनकी थिन वॉल होती है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उनकी थिक वॉल होती है. लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो मोर थिकर होता है राइट वेंट्रिकल से. क्वेश्चन नंबर 4, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए वन सिस्टोल, ऑप्शन बी वन डायस्टोल, ऑप्शन सी इज वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. तो देखें, एक कंप्लीट हार्ट बीट में क्या होता है, रिलैक्सेशन भी होती है, कंट्रैक्शन भी होती है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 5, The fluid that leaks into spaces surrounding capillaries and tissues. Option A, hemolymph. Option B, lymph. Option C, interstitial. And the option number D is none of these. तो ये बुक की पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट लिखी हुई है कि कैपिलरीज और जो टिश्यूज में लिम्फ लीक करता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म. ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी वेन्स, ऑप्शन सी इज कैपिलरीज सॉरी आर्टेरियोल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेन्युल्स. तो जो कैपिलरीज होती है ना, ये ज्वाइन करती हैं वेन्यूल्स को. ठीक है, कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स. इनके बाद, वेन्यूल्स के बाद क्वेश्चन आता है कि वेन्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है वेन्स. लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड प्रेशर डिसअपियर्स इन ऑप्शन ए आर्टेरियोल्स, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी इज वेन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखें, ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या डायस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लड प्रेशर हो या रिलैक्सर ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों डिसअपियर होते हैं किस किस में, हमारे
कैपिलरीज में और वेंस में, लेकिन ब्लड प्रेशर कब अपीयर होता है? आर्टीरियोल्स में अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियोल्स जो होते हैं ना अंडर सीटेड होते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, द लब साउंड इज मेड वेन। ऑप्शन ए, वेन बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज। ऑप्शन बी, वेन ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज। ऑप्शन सी, वेन सेमिलर वेल्व्स क्लोज। एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज। यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जो यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन आता है डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है। अगर लब की बात की जाए, वेन बाइक स्पिड एंड ट्रैक स्पिड वेल्स क्लोज, तब प्रोड्यूस होता है हमारे पास लब। और जब पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक ऑर्टा क्लोज हो जाए साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पे साउंड प्रेजर्ड होता है डब। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल ऑफ वेन्स लेक। ऑप्शन ए आउटर लेयर, ऑप्शन बी इज मिडिल लेयर, ऑप्शन सी इज एंडोथेलियम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। अगर बात की जाए आर्टरीज की या वेन्स की, दोनों में तीन तीन लेयर्स होती है, ठीक है। एक आउटर लेयर, दूसरी मिडिल लेयर, तीसरी जो होती है हमारे पास वो होती है इनर लेयर, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। इनर लेयर बोले या एंडोथेलियम बोले, बात सेम ही है। तो अगर वेन हो या आर्टरी हो, ये तो तीनों लेयर प्रेजेंट है। तो अगर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो तो डी करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जो मिडिल लेयर होती है ना, वो रिलेटिवली थिन होती है वेन्स की, और उसके पास फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ डिले ऑफ हाउ मेनी सेकेंड इन कंडक्टेंस फ्रॉम ए से नोड टू ए वी नोड। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.15 सेकेंड, ऑप्शन सी इज 0.25 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 सेकेंड्स। देखिए, इसमें जो कंडक्टेंस में डिले आता है ना, बुक की पॉइंट है कि 0.15 सेकेंड्स का डिले आता है ए से नोड में और ए वी नोड में, तो ए बी इज करेक्ट वन।